वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मैं आपको ऐसे फेस पैक बताने वाली हूँ जो कि विंटर्स में आप अगर आप लगाते हैं तो आपके फेस का जो पॉल्यूशन है उससे जो होने वाले साइड इफेक्ट्स है उससे भी आप बच सकते हैं और आपकी स्किन केयर के साथ में जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 2-3 फेस पैक बताऊंगी जो आप अगर अभी विंटर्स में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपकी स्किन को ग्लो भी देंगे और ड्राइनेस और प्लस पॉल्यूशन से बचाने का काम करें। तो सबसे पहला मास्क है वो कॉफ़ी मास्क है, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉफ़ी, मिल्क और हनी। बस आपको इजीली 3 चीज़ें चाहिए जो इजीली सभी के घर में अवेलेबल होती है। इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है। कॉफ़ी ले लें 1 चम्मच, उसमें आप हनी और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और थोड़ा सा हनी मिक्स कर दें, ठीक है। और मिल्क, रॉ मिल्क अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से आप इसे मिक्स करिए। और अगर आप ड्राई स्किन पर लगा रहे हैं तो मिल्क की जगह आप थोड़ी सी मलाई ले सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करना है। प्रॉपर मिक्स होने के बाद में आपको अपने स्किन पर उसे लगाना है और 20 मिनट्स के लिए उसे छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद अपना आप फेस वॉश करेंगे तो आपको आपके स्किन पे ग्लो भी लगेगा। प्लस ये विंटर्स में बहुत अच्छी होती है। ये जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे स्किन पे साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं उससे भी आपको बचाता है। अगली चीज़ है, अगला फेस पैक है जिसमें आपको क्या करना है, कर्ड फेस पैक, जिसमें आपको कर्ड लेना है, थोड़ा सा दही के साथ आपको यूज़ करना है हनी और फिर यूज़ करना है आपको टर्मरिक। में हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे पॉल्यूशन वगैरह से होने वाली दिक्कतों को ख़त्म करता है, जो हमारे स्किन में होने वाली डिसीज से मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। हनी आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है जो आपको मॉइस्चराइज़ करेगा आपकी स्किन को। और कर्ड बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए जो आपकी स्किन में ग्लो और सॉफ्ट बनाने के लिए काम आता है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। 20 मिनट्स इसे रहने दें, थोड़ा सा हल्का सा सूखने दें, उसके बाद में थोड़ा सा मसाज करके इसे वॉश कर लें। तो अगली चीज़ है पपाया फेस मास्क। पपाया फेस मास्क में आपको क्या करना है, जो पपाया होता है उसको छील के थोड़ा सा आपको उसका मैश करना है अच्छे से। मैश करने के बाद में उसमें आपको ऐड करना है मिल्क। ऐड करने के बाद में उस अच्छे से पैक को मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बन जाना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद में आप अच्छे से अप्लाई कर सके, इस कंसिस्टेंसी में बन जाना चाहिए। उसके बाद में आप उसे अप्लाई कर लें। बस आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो पपाया चाहिए, एक मिल्क चाहिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद में उसे अप्लाई कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो आपके फेस पे ग्लो आएगा और ये भी बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ है, आपको मैं एक एडिशनल टिप दे रही हूँ जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है लेकिन मैं आप लोगों के साथ में और शेयर कर रही हूँ। आपको पता ही है जो हमारे लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, तो आपको उनकी केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो चावल होता है उसको बहुत दरदरा मतलब माइल्ड से जो दाने दाने होते हैं ना, बहुत माइल्ड से वैसे आपको पीस लेना है। उसके बाद में आपको उसमें हनी और कॉफ़ी पाउडर मिलाना है, कॉफ़ी मिलाना है मीन्स। उसके बाद में उसको धीरे से उसको मतलब मिक्स करके और 2-3 मिनट्स आपको जेंटली सॉफ्टली तरीके से ज़ोर से नहीं उसे अपने लिप्स पर मसाज करनी है और बाद में उसे वॉश कर लेना। आप खुद इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसे आप अप्लाई कीजिए और आपके विंटर्स में आपके जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में कोई भी लिप बाम यूज़ कर ले, उस पर अप्लाई कर ले। तो ये था मेरा स्किन के लिए, लिप्स के लिए एक छोटा सा वीडियो, आपकी स्किन केयर आप कैसे कर सकते हैं, लिप केयर आप कैसे कर सकते हैं विंटर्स में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।